पेमेंट की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापिस करने का निर्णय किया है। जी हाँ, सहारा इंडिया कंपनी ने लिस्ट जारी की है। दोस्तों, यह है सहारा इंडिया कंपनी का पैसा वापस लौटाने का वादा अमित शाह ने किया है, जो कि अभी तक जारी है। दोस्तों, किसों को अभी तक पैसे मिले हैं और किसों को नहीं मिले हैं, दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में कि किन निवेशकों को उनका पैसा मिल पाएगा और किन को नहीं मिलेगा, कि क्या कमी होगी या वजह होगी जिसके कारण उनको पैसा नहीं मिलेगा या मिलेगा। चलो दोस्तों जान लेते हैं। सहारा इंडिया कंपनी एक पैसा निवेश कंपनी थी जिसमें निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न मिलता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से सरकार ने इस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया है, यानी दोस्तों इस कंपनी को बंद कर दिया गया है, जिस कारण से इस कंपनी पर ताला लग गया है और निवेशकों को पैसा इसमें फंस गया है। पैसा फंस जाने के कारण निवेशकों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिस कारण उन्होंने इस कंपनी के विरुद्ध हड़ताल की, जिससे कंपनी की मार्केट में काफ़ी बदनामी हुई। इस हड़ताल के कारण निवेशकों को देखते हुए कंपनी ने सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट की शुरुआत की है। इस रिफंड पोर्टल में सहारा इंडिया अपने निवेशकों को पैसा वापस देने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन सहारा इंडिया कंपनी ने यह भी बताया कि वह अपने सभी निवेशकों का पैसा वापस नहीं कर सकती। कंपनी केवल उन्हीं निवेशकों का पैसा वापस करेगी जिन्होंने सहारा इंडिया की इन चार कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश किया था। इसके बारे में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट जारी की गई है और लिस्ट जारी करने के बाद लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें आपको यह भी बताया जाएगा। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट को कंपनी द्वारा इसके अधिकारियों पोर्टल पर रिलीज कर दिया गया है। निवेश इस लिस्ट को ऑनलाइन माध्यम से देख सकते हैं। लिस्ट में नाम देखने की पूरी प्रक्रिया आपको आगे दी जाएगी, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। आपको बता दें कि सहारा इंडिया पोर्टल के लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए आपको इसमें आवेदन करना पड़ता है। इसके बाद निवेशकों को आवेदनों को वेरीफाई किया जाता है, जिसके बाद उसकी लिस्ट को जारी कर दिया जाता है। उस लिस्ट में जिन भी निवेशकों का नाम होता है उन्हें कंपनी उनका पैसा वापस दे देती है। आपको बता दें कि सहारा इंडिया ने अपने रिफंड पोर्टल की शुरुआत कर दी है, लेकिन इसमें सहारा इंडिया कंपनी ने कहा है कि वह अपने सभी निवेशकों का पैसा वापस करने में असमर्थ है, इसलिए वह सिर्फ उन्हीं निवेशकों का पैसा वापस करने का दावा कर रही है जिन्होंने इस चार कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश किया था। दोस्तों, आपको बताया गया कि कौन सी चार कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सरकार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ये दोस्तों ये आपको बताया जा रहा है कि सहरायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। जी दोस्तों, ये चार ऐसी है जिसमें आपने अपना पैसा निवेश किया है तो आपका पैसा मिल जाएगा। सहारा इंडिया रिफंड के लिए आपका दस्तावेज क्या क्या होना चाहिए, आपको बता दें कि रिफंड लिस्ट में अपना नाम शामिल करने के लिए इसमें आवेदन करना होता है और आवेदन करने के लिए आपके पास ज़रूरी दस्तावेज होने चाहिए, तभी आपका इस रिफंड लिस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों जी हाँ, आपको बता दें कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पहले नंबर पे आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि आजकल सभी के पास है। दूसरे नंबर पर पैन कार्ड, तीसरे नंबर पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिटेल, मेंबरशिप नंबर और स्लिप प्रूफ, यानी जो आपने इसमें निवेश किया है उसका प्रूफ, डिपॉजिट प्रूफ। जी दोस्तों, बस आपको यही आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आगे भी शेयर करें, जिससे कि सभी भाइयों को उनके पैसे वापस मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।